हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण से पहला स्कंद बालकांड, ये दूसरे अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा वाल्मीकि ऋषि को उपदेश और इसके 29 नंबर श्लोक पर आज चर्चा करेंगे। तो इसके पूर्व कल परसों हमने चर्चा किया था कि वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी पे स्नान करते वक्त जो घटना देखे, शिकारी के द्वारा एक प्रॉन्च पक्षी का वध किया गया, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने श्राप दिया उसको। लेकिन वास्तव में श्राप वो भगवत प्रेरणा से था, वो एक श्लोक ही बन गया। वो श्लोक ही था जिसमें संपूर्ण रामायण निहित था उस एक श्लोक के अंदर बीज रूप में। और फिर उसके ऊपर ही विचार करते हुए वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम में पहुंच करके भरद्वाज ऋषि से कुछ अन्य वार्ताएं कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में उनके चेतना में वही जो घटना हुई, वो जो श्लोक उनके मुख से निकला, उस पर विचार चल ही रहा है। और इसी पे विचार करते करते कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो जाते हैं उनके आश्रम के पास। उनको उचित प्रकार से स्वागत सत्कार करने के पश्चात वाल्मीकि ऋषि उनको उचित आसन देते हैं और फिर उनसे जिज्ञासा करते हैं। ब्रह्मा जी भी योजना बना के आए थे वाल्मीकि ऋषि को रामचरित रामायण के ऊपर पूरा उपदेश देने के लिए, तो उनको भी आसन ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। और उस वक्त भी वाल्मीकि ऋषि बाहर से तो पूरी तरह से सम्मान कर रहे हैं और वार्ताएं कर रहे हैं, लेकिन अंतःकरण में अभी भी उनके वो घटना का जो विचार मौजूद है, वो विचार कर रहे हैं, उसी श्लोक पे चिंतन चल रहा है उनका। अब आगे बात कर रहे हैं। सोचने व मुहु प्रांचीम उपश्लोकम इमं पुनः जगावंतर मना भूत्वा शोक परायण ओवरकम बाय डिस्ट्रेस ओवर द डेथ ऑफ द मेल क्रॉन्च बर्ड एंड स्टिल लेमेंटिंग अबाउट द फीमेल क्रॉन्च बर्ड ही अगेन सैंग द श्लोक बिगिनिंग मा निषाद सेल। इस प्रकार से इस घटना पे शोक करते हुए यानी उस पर विचार करते हुए वापस से अपने ही मन में जो श्लोक उनके मुख से भगवत प्रेरणा से निकला था, उस पर वापस से उसको रिसाइट करके अपने अंदर पे उस पर विचार कर। द वर्ड्स उप एंड जगाओ हैव टू बी रेड टूगेदर अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल एंड द कंबाइंड मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स इज सैंग जगाओ। वाल्मीकि सैंग द वर्ड्स मा निषाद विद इन हिज माइंड। सोचने व यानी सोचते हुए उस पर लैमेंट करते हुए मुहु प्रौचिम उप श्लोकम इमं पुनः उस श्लोक के ऊपर वापस से विचार कर रहे हैं। जगाव अंतर मना भूतवा श्लोक परायण अपने मन में ही विचार कर रहे। द वेरी फैक्ट दैट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा द स्पेशल मास्टर ऑफ यूनिवर्स द सेल्फ डिसिप्लिन वाल्मीकि इज माइंड रिसाइटेड दैट वाज बिगिनिंग मा निषाद इंडिकेट दैट इट वाज हैपनिंग बाय द डिजायर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी के खुद के इच्छा से हो रहा है, यानी वो उनको उस श्लोक के माध्यम से उपदेश देने वाले। अदरवाइज सेल्फ डिसिप्लिन वाल्मीकि जो पूर्ण रूप से अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर सकते थे, तो ब्रह्मा जी के सामने जो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं उनके समक्ष उपस्थित होने पर भी उनके मन में अन्य कोई श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है जब तक वो एक प्रेरणा अंदर से ही ब्रह्मा जी द्वारा न दी जाए। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनिपुंगवम् श्लोकेव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा। देन ब्रह्मा स्माइलिंगली टोल्ड द बेस्ट ऑफ सेजेस यू हैव इंडीड कंपोज्ड अ श्लोका डू नॉट वरी अबाउट इट। ब्रह्मा जी उनके मन के भाव को समझ गए, पढ़ सकते हैं ब्रह्मा जी। भगवान भगवत शक्ति से परिपूर्ण होने के कारण ब्रह्मा जी को भगवान अपने ही जैसा शक्ति प्रदान कर, वो भी जो है व्यक्ति के मन को पढ़ सकते हैं, सेकंड परमात्मा बोल सकते हैं, रादर एक तीसरे परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं यमराज पे, थर्ड पर्व। तो वो भगवान नहीं है, यमराज जी और ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु के सेवा के कार्य के लिए भगवान उनको अपनी शक्ति, अपनी ही जैसी शक्ति को संचारित कर, शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए वो भी कहीं भी किसी भी क्षण अपने आप को उपस्थित कर सकते हैं और लोग परमात्मा के जैसे ही हर जीवात्माओं के बारे में जान सकते हैं, उनके मन के विचार, उनके कार्यकलाप सब कुछ जान सकते हैं भगवान की कृपा से। इसीलिए भगवान की कृपा से कोई भक्त भगवान
भगवान की सेवा के लिए जो आतुर है, उनको सेवा अर्पण करना चाहता है शुद्ध भाव से, तो भगवान अपने ऊपर उस भक्त ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि वो भगवान के जैसा या कई बार भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ कार्य कर जाता है। भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ मतलब भगवान की कृपा से, जस्ट लाइक जो शुद्ध वैष्णव होते हैं शिला प्रभुपाद जी, तो नित्यानंद प्रभु एक जगह ही मदाई को उठा, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से शिला प्रभुपाद जी हजारों जगह ही मदाई, और न केवल अपने पर्सनल व्यक्तिगत उपस्थिति में किए, बल्कि आगे आने वाले हजारों सालों तक ऐसे लाखों जगह ही मदाई का उद्धार करने वाले हैं। यानी भगवान से भी ज्यादा जो है कृपा या ज्यादा कार्य अद्भुत कार्य रूपा जी करके दिखाए भगवान की कृपा से। तो भगवान का ही हमेशा स्वभाव होता है कि वो अपने भक्तों को विशेष ऐसा शक्ति देते हैं ताकि वो भक्त भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ कार्य कर सके, और इसमें भगवान को आनंद मिलता है, इससे भगवान को संतुष्टि होती है, मेरा भक्त मेरे से भी ज्यादा गुणगान प्राप्त कर है। इस प्रकार से तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की स्थिति बताई गई, तो ब्रह्मा जी समझ गए और उनको बोले तम उवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंग, हंसते हुए यानी हंसते हुए नहीं मुस्कुराते हुए, यानी उनके मन के भाव को समझ गए मुनि पुंगम बेस्ट ऑफ द सेजेस को एड्रेस करते हुए, वाल्मीकि ऋषि को एड्रेस कर रहे हैं, हे मुनि पुंगम ये ऋषियों में श्रेष्ठ, आपने जो बोला है श्राप के रूप में आपने बोल दिया है, वो वास्तव में एक श्लोक है, एव त्वया बद्धो, आपके द्वारा इस श्लोक ही उच्चारण कर दिया गया है, तो इसलिए आप इसके बारे में चिंतित ना हो कि आप एक ऋषि या सेज होकर के कैसे श्राप दे सकते हैं। आफ्टर हियरिंग दैट वर्स रिसाइटेड बाय द सेज विद इन हिज माइंड लॉर्ड ब्रह्मा स्पोक द बेस्ट ऑफ सेजेस, श्री ब्रह्मा वॉज स्माइलिंग दैट द सेज वॉज अनअवेयर दैट द श्लोका हैड अपियर्ड ऑन हिज टंग बाय ब्रह्माज ओन अरेंजमेंट, ब्रह्मा जी के ही अरेंजमेंट से वो श्लोक उनके जीवा में प्रकट हुआ, इसलिए वो वाल्मीकि ऋषि अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को सूचित कर रहे हैं कि आपने जो बोला है वास्तव में वो श्लोक है, यानी उसका महत्व है, वो उसका कोई ऐसा मीनिंगलेस नहीं है, तो आपको उसके लिए व्यथित नहीं होना चाहिए। मत छंदा एवते ब्रह्मण प्रवृत्तेयम सरस्वती रामस्य चरितम कृष्णम गुरुत्वम ऋषिशत्तमा, अब ब्रह्मा जी स्पष्ट बता दे रहे हैं कि मेरे ही इच्छा से मत छंदा मेरी इच्छा से ओ ब्राह्मण दिस वर्ड्स अपीयर टू यू सिंपली बाय माय डिजायर, ओ बेस्ट ऑफ द सेजेस डिस्क्राइब ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड, प्रकार से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ब्रह्मा जी कि मत छंदा एवते ब्राह्मण प्रवृत्ता यम सरस्वती, यम सरस्वती श्लोक को बोला जा रहा है, तो ये जो श्लोक आपके जिह्वा से निकला है ये मेरे ही इच्छा से निकला है, मेरे ही प्रेरणा से निकला है, तो इसीलिए आप क्या करो रामस्य चरितम कृष्णम, कृष्णम मतलब पूरे भगवान राम के चरित्र को गुरुत्वम आप इसको वर्णन करो ऋषि सत्तमा, हो ये ऋषियों में श्रेष्ठ, पिछले श्लोक में मुनि पुंगम इस श्लोक में ऋषि सत्तमा बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि को इस प्रकार से एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्योंकि वाल्मीकि ऋषि ये विचार कर सकते हैं पूछ सकते हैं कि आप मुझे ही क्यों आपने प्रेरणा दिया रामायण लिखने के लिए, मेरे में ऐसी क्या योग्यता है, तो ब्रह्मा जी खुद ही बता दे रहे हैं क्योंकि आप मुनि पुंगमा हैं, ना केवल आप एक मुनि हैं बल्कि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं, जितने भी प्रकार के मुनि हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी आपके पास विचार शक्ति भी अच्छी है, और ऋषि सत्तमा आप सभी ऋषियों में भी सर्वश्रेष्ठ, इसलिए आप योग्य हैं और आप राम के चरित्र का वर्णन कर सकते हैं, इसलिए मेरी प्रेरणा से वो श्लोक जो है सरस्वती इयम इयम सरस्वती तो आपके जीवा में प्रकट हुआ। लॉर्ड ब्रह्मा क्लेरिफाइड दैट द बेस्ट ऑफ सेजेस वाल्मीकि हैड अटर्ड अ श्लोक टेक्स्ट 15, 15 नंबर श्लोक आया है, वाल्मीकि ऋषि ने श्राप देते हुए बोला, लेकिन वास्तव में वो एक श्लोक है रामचरित का वर्णन कर, एंड वाज एस्टोनिश अबाउट इट, वाल्मीकि हैड रिसीव्ड द पोटेंशियल टू कंपोज पोएट्री पर ओनली अ ट्रू सेज कैन कंपोज ट्रू पोएट्री, द इम्प्लीकेशन इज कंपोज अ बुक ऑन लॉर्ड रामास एक्टिविटीज इन श्लोकास लाइक दिस, ब्रह्मा जी इस एक श्लोक को प्रदान करते हैं और इस एक श्लोक के अंदर
सूत्रबद्ध रूप में संपूर्ण रामचरित को वन डालते हुए वाल्मीकि ऋषि को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप इस पे ही श्लोक पे ही आधारित या इस श्लोक के जैसे ही पूरी रामचरित्र का वर्णन करें, रामायण ग्रंथ का रचना करें। इस प्रकार से ये शक्ति दे दिया, वो एम्पावर कर दिया या ऑथोराइज कर दिया वाल्मीकि ऋषि को। वाल्मीकि ऋषि द्वारा वाल्मीकि कृत जो रामायण है वो साक्षात जो है ब्रह्मा जी के द्वारा ऑथराइज है, नारद मुनि के द्वारा ऑथराइज है। इस प्रकार से हम देखते हैं ना केवल रामायण बल्कि भागवत ग्रंथ में कि वेद व्यास जी भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, उनके पिता पराशर ऋषि पराशर मुनि को भी एक महान आचार्य है, महान ऋषि हुए, महान मुनि हुए, उनसे शिक्षा वगैरह प्राप्त किए, उन्होंने कई वैदिक साहित्यों को वेद प्राप्त किए, वैदिक शिक्षाओं को उन्होंने लिखा, उसको मानव समाज के हित के लिए उसको डिवाइड करके। पहले ओरिजिनली एक ही वेद था लेकिन बाद में उन्होंने चार वेद में डिवाइड किया, और फिर उन वेदों को भी कोई नहीं समझ पाएगा अच्छे से, और उन वेदों को भी इतने सारे वैदिक मंत्र जो है सब हर हर समय पढ़ नहीं सकते, इसलिए उसको नोट्स के फॉर्म में उपनिषद भी लिख दिए, और उपनिषद जो है और कंक्लूसिव ट्रूथ स्पिरिचुअल नॉलेज को प्रेजेंट करते, और फिर ये उपनिषद और वैदिक सूत्र को समझाने के लिए वेदांत सूत्र भी लिख दिए, और उसके पश्चात फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई पुराण भी लिख दिए। लेकिन इसके बाद भी उनके हृदय में संतुष्टि नहीं थी कि पूर्ण रूप से भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं वर्णन हो पा रही, इनडायरेक्ट वे में जो है भक्ति का वर्णन है। तो स्वयं नारद मुनि आते हैं और उनको भागवत महापुराण लिखने में प्रेरणा देते हैं। जब भी भगवान के डायरेक्ट शुद्ध भक्ति शुद्ध क्रियाकलापों का वर्णन करने के लिए प्रेरणा होती है तो भगवान स्वयं भगवान अपने किसी महान आचार्य के द्वारा प्रेरणा दिलाते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि के द्वारा जो रामायण की रचना की गई तो उसमें स्वयं ब्रह्मा जी आके उनको प्रेरित कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और नारद मुनि से तो ऑलरेडी सब श्रवण किए ही थे भगवान रामचंद्र के चरित्र के बाद। तो इससे दोनों चीज पता चलती है, एक कि ये जो ग्रंथ है वाल्मीकि ऋषि द्वारा निर्मित किया गया है तो ये पूर्ण रूप से परफेक्ट है एंड कंप्लीट है, इसमें कोई जो है दोष नहीं, ये दोष रहित है यानी ये पूर्ण सत्य है। और दूसरा कि ब्रह्मा जी नारद मुनि खुद आकर के प्रेरणा दे रहे हैं तो ये इसका महत्व जो है बहुत ज्यादा है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और पूर्ण रूप से सबसे धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमता वृत्तम कथय वीरस्य यथा ते नारदाश्रुतम। अब ब्रह्मा जी खुद बोल भी रहे हैं जिस प्रकार से नारद मुनि से आपने सुना है वैसे ही आप बोल, इन अकॉर्डेंस विथ वॉट यू हैव हर्ड फ्रॉम नारद मुनि डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ श्री राम who adheres to Vedic thought, possessing several auspicious qualities in this world, and who is learned and sober. वाल्मीकि ऋषि को बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप धर्मात्मनो गुणवतो ऐसे भगवान रामचंद्र का गुणगान करिए जो धर्मात्मना है, जो कभी भी धर्म के पथ को नहीं छोड़ते, यानी इस संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी धार्मिक हो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य तो होंगे ही, काया मनसा वाचा से कभी ना कभी बाय मिस्टेक ये तो होने की पूरी संभावना रहती है, कोई ना कोई अपने शरीर से मन से या वाणी से ही नहीं तो या मन में कुछ ना कुछ ऐसे अधार्मिक कार्य तो कर ही देगा, भले कोई शरीर से ना करे कार्य तो शारीरिक कार्यकलाप करके ना करे या कोई वाणी से ना करे, लेकिन मन में तो कुछ जो है अधर्म के कार्य प्रकट हो सकते ऐसे इस हर किसी व्यक्ति, लेकिन केवल परम भगवान ही है जो पूर्ण रूप से धर्मात्मना है, इसलिए उनको ब्रह्मा जी बोल रहे हैं या बसे ऐसे भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य लीलाओं का वर्णन करिए जो धर्मात्मना है, वढ़ेर वैदिक धर्म काया मनसा वाचा, अपने शरीर मन और वाचा वाणी से सदैव हर सनातन काल से हर काल में भगवान जो है पूर्ण रूप से धर्म के प्रिंसिपल सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं, और इसीलिए वो परम भगवान, यही टेस्ट, और ये केवल और केवल भगवान ही कर सकते, और किसी जीवात्मा या किसी देवता में भी ये नहीं है। इसका पुष्टि जो है स्वयं भृगु ऋषि करते हैं,
आपने शायद कई लोगों ने ये कथा सुना होगा कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि ये गुणा अवतार हैं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी। जैसा मैंने बताया कि ब्रह्मा जी और शिव जी को भगवान, शिव जी तो खैर डायरेक्ट भगवान विष्णु के ही विस्तार हैं, वो जीवात्मा नहीं है। और ब्रह्मा जी लेकिन जीवात्मा है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान विष्णु का कार्य करने के हेतु भगवान विष्णु उनको इस प्रकार से शक्ति संचारित किए हैं कि अगर कोई ब्रह्मा जी के कार्यकलापों को सुनेगा जानेगा ना, तो वो ब्रह्मा जी को ही परम भगवान स्वीकार कर ले। वो इतने इतने अद्भुत तरीके से सृष्टि किया है। जैसे यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि के पास आकर के ब्रह्मा जी तुरंत उनके मन में जो श्लोक उच्चारण हो रहा वो समझ गए और बोले कि ये मैंने ही प्रेरित किया था आपके जीवा में ये श्लोक उत्पन्न प्रकट करके। ब्रह्मा जी भी इतने शक्तिशाली, हर जीवात्माओं के बारे में वो पूरा उनका रिकॉर्ड जानते हैं, तभी तो विधान पूरा उनका कुंडली बनाते हैं, लिखते हैं सबका भाग्य में कितना क्या होना चाहिए। तो ऐसे असंख्य जीवात्माएं हैं, उनके लाखों लाखों जन्मों के इतने कर्म है, सबका हिसाब किताब ब्रह्मा जी कैसे कर लेते हैं। यानी भगवान विष्णु उनको अपनी ऐसी शक्ति प्रदान की, तभी तो इसलिए ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव के बारे में अगर कोई प्रमाणिक तरीके से नहीं जानेगा, तो वो इन तीनों के बारे में जब पुराणों से पढ़ेगा तो वो उसको वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा, वास्तव में भगवान कौन है, ये तीनों ही भगवान है क्या? इसीलिए कंफ्यूजन होता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। नारद मुनि भी इस प्रकार के लोगों के बिहाफ में भागवत के सेकंड कैंटो में, नारद मुनि खुद जाते हैं ब्रह्मा जी के, जो भक्ति के महान आचार्य हैं, लेकिन नारद मुनि कभी मोह में नहीं हुए, लेकिन नारद मुनि गए लोगों के बिहाफ में जाकर के ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी को फिर वो पूछ भी रहे हैं कि आप ही लगता है कि आप ही इस पूरे सृष्टि के परम भगवान हैं, आप ही पूर्ण नहीं है संपूर्ण, मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंता है आप ही, ऐसा है क्या? ऐसा पूछते हैं, या आपके ऊपर भी कोई है? ब्रह्मा जी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कभी मत सोचने, मेरे से भी ऊपर है भगवान नारायण ही है, उन्हीं से मैं पूरे नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त करता हूँ जिसको तुम देख रहे हो। इसलिए कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, और ये कंफ्यूजन ऐसा नहीं कि केवल साधारण लोगों को होता है, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि शास्त्रों के ज्ञान रखने वालों को भी, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी के कार्यकलाप हैं, भगवान शिव के कार्यकलाप हैं, भगवान विष्णु कार्यकलाप हैं, सब में वो देख के बड़ा अद्भुत तरीके से कार्य हो रहा है, ये तीनों ही अद्भुत तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो वास्तव भगवान कौन है? तो ऐसे ही एक बार इन ऋषि मुनियों की सभा आयोजित हुई, कॉन्फ्रेंस किया गया कि ये निर्णय लेने के लिए, बाकी सब देवताओं का निष्कर्ष करते करते वो लोग पहुंच गए थे कि बाकी सब देवता में तो कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ शक्ति जो है सीमित मात्रा में है, ये है कमी है कुछ, तो ये इस निर्णय में पहुंच गए थे कि अब इन तीन में से कोई जो है भगवान, ब्रह्मा विष्णु और महेश में से, तब वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे, तब भृगु ऋषि को उन्होंने अपॉइंट किया कि आप जाइए आप टेस्ट करके बताइए। तब वहां पे भृगु ऋषि जाते हैं, शॉर्ट में बताऊंगी 1-2 मिनट। तो भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, तो ब्रह्मा जी के पास जाकर तो उनको प्रणाम नहीं करते हैं, बस चुपचाप जाके बैठ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि इस प्रकार से मेरा शिष्य है, पुत्र भी है और शिष्य भी, तो ये प्रणाम नहीं किया आकर के, तो उनको क्रोध आ जाता है, लेकिन उस क्रोध को वो प्रकट नहीं करते, बस मन में रह जाता है, मन में रह के उसको अंदर अंदर पी लेते हैं, प्रकट नहीं करते, तो यानी मानसिक रूप से वो अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पाए, ये इससे पता चलता है। फिर भृगु ऋषि आगे निकल गए, भगवान शिव के पास गए, तो भगवान शिव के पास जाकर के ब्रह्मा जी के पास तो उन्होंने केवल आचरण से ही उनके प्रति अपराध किया था, भगवान शिव के पास जाकर के अब वाणी से भी अपराध किया। वाणी शिव जी जब आए, देखे मेरा भाई आया है, आओ गले लगते हैं, भृगु ऋषि बोले अरे क्या है तुम, दूर हटो मैं इतना ब्राह्मण हूँ शुद्ध हूँ और आप इस प्रकार से पूरा सब कंकाल पहन के रहते हो, आप मेरे को कष्ट मत करो, इससे ये इस प्रकार से वाणी का अपराध कर दिए, तो भगवान शिव भी क्रोधित हो गए और वो उनके पीछे भागने लग गए उनको मारने के लिए। फिर किसी तरह से वहां से बच के वो निकलते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो यहाँ से भगवान शिव का भी वो देखे कि ये भी जो है पूर्ण रूप से कंट्रोलर नहीं है। अब भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो मनसा काया वाचा तीनों से अपराध करते हैं, वाणी से भी उनको अपशब्द बोलते हैं भगवान विष्णु को, और जाते ही उनके सीधे छाती में अपने पैरों से प्रहार कर देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हुए, उनका मन बिल्कुल भी असंयमित नहीं हुआ, पूर्ण रूप से संयमित मन से भृगु ऋषि के चरणों को पकड़ लेते हैं और जो है उनको मधुर वचन से बल्कि उल्टा माफी मांग। ये प्रसंग के बाद ये निर्णय हो जाता, समझ में आ जाता है कि भगवान विष्णु ही है
जो कि परम भगवान है, जो संपूर्ण नियंत्रक है, पूरी तरह से रजो तमो से तो उनको कंट्रोल करते हैं, समस्त इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टेस्ट हो जाता है। तो ऐसे भगवान यहाँ पे हम इस रूप में हम लोग कल और चर्चा करेंगे। इसलिए धर्मात्मन बोला जा रहा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ऐसे परम भगवान जो कि धर्मात्मना है, पूरी तरह से हर समय काया मनसा वाचा से धर्म के सिद्धांतों पे ही जिनका आचरण रहता है, उनके बारे में आप व्याख्या करो। गुणवतो लोके रामस्य धीमता, धीमता मतलब जो बहुत ही बुद्धिमान है और स्कॉलर है, सब कुछ जानते। वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदास। तो जिस प्रकार से आपने नारद मुनि से सुना है ऑलरेडी, उस प्रकार से आप वर्णन करिए। तो आप ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि को ऐसा उपदेश किताब पर कल श्लोक और चर्चा करें। किसी वक्त का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्ण। जी, शाम के कथा का थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे हम लोग ऋणी रहते हैं देव देवताओं के, माता पिता के, तो देवताओं के ऋण तो भगवान कृष्ण के जब अपन शरण में चले जाते तो हो जाता है, लेकिन पितृ ऋण, माता का ऋण, ये कैसे, मतलब इसका थोड़ा समझना था, ये कैसे माने ये ठीक कर्जा है। हाँ, चुकता है। ये आपका प्रश्न वैसा ही हो गया जैसे कि हमने पेड़ के जड़ में पानी दिया प्रभु जी, तो ये तो समझ में आ गया कि पेड़ के जड़ में पानी देने से उनकी शाखाओं को तो पानी मिल जाएगा, लेकिन ये फल फूल जो लदे हुए हैं उनको कैसे पानी मिलेगा? तो आप ही बताइए कैसे मिलेगा उनको पानी, ये समझ समझ पाए? गए समझ प्रभु जी। जी में आ गया? ठीक समझ है। जी आप बुद्धिमान बहुत है वैसे, अच्छी बात। ठीक है।